मतदान किया है? हाँ। आपने पहली बार मतदान किया है, प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है, उसमें आपने अपनी भागीदारी निभाई है, क्या मुद्दे रहे आपके, किन मुद्दों को लेकर के आपने क्या सोच विचार करके मतदान किया है? ये सोच के मतलब वोट डाला है कि जो महंगाई है उसको भी थोड़ा कम किया जाए, और जो बेरोजगारी चल रही है तो बेरोजगारों को थोड़ी नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, ये सोच के, और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ोतरी हो, यही सोच के वोट डाला है। जो पिछली सरकारें रही हैं उनमें कोई ऐसा काम शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, कोई काम उन्होंने ऐसा किया है? अब नई सरकार से आप क्या उम्मीद करती हैं कि वो इस तरह का काम करे? जो पिछली सरकार ने किया अच्छा था, मतलब गरीबों को फ्री में सिलेंडर दिए और घर आवास योजना बनाई, तो नई सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ और नया करे, मतलब रोजगार के भी क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी करी जाए। आपने कुछ ऐसा सोचा है कि जो नौजवान हैं, जो शिक्षित नौजवान हैं, अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो महंगाई की मार कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी आ रही है, और जो वृद्ध हैं, जो काम नहीं कर सकते, असहाय हैं, तो उनके लिए, इनको विद्यार्थियों के लिए और वृद्धों के लिए सरकार क्या करे? वृद्धों के लिए ये है कि अगर उनके पास ना कोई काम है और रोजगार नहीं है, तो उनको वृद्ध पेंशन योजना जो है, तो वो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करी जाए, मतलब जो कम है उन लोगों के लिए जो पेंशन, वो थोड़ी बढ़ा दी जाए, और शिक्षक को, मतलब बच्चों के लिए भी कुछ अच्छी शिक्षा स्तर का, मतलब किया जाए प्रयोग। शिक्षा में किस तरह का नया देखना चाहती हैं आप? मतलब जो बच्चे हैं, अभी मैं पढ़ाने जाती हूँ स्कूल में, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती है ठीक से, वो स्पेलिंग्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको मतलब शुरू से इंग्लिश की वो करवाई जाए, उन्हें इंग्लिश पढ़वानी चाहिए, उन्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए, कक्षा एक से ही हो सके, जितना हो सके इंग्लिश मीडियम की तरह सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा। लेकिन सरकार वोट डाला है? हाँ डाला है। क्या मुद्दे पर वोट डाल गया है? विकास के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, और सुशासन के मुद्दे पर। काम पे वोट दो? हमने अच्छे काम पे वोट दिया है, उन्होंने अच्छा काम किया है मोदी जी ने, उन्होंने योगी जी ने। ठीक है। वोट डाला है? हाँ। क्या मुद्दे रहे वोटेंगे? विकास की ओर। भाई तुम मुद्दा करो विकास की ओर, विकास की ओर, विकास की ओर। वोट डाले? हाँ डाले है। क्या मुद्दा रहा है वोट डालने की? काम पे दिया वोट। कौन से काम पे भैया? काम पे मतलब ऐसे कि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए जो है, तो उन्हीं के काम को देखते हुए मतलब उन्हीं को दिया वोट। का नाम है आपको? या भाई। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या रोड नहीं है हमारा, लाइट नहीं है हमारा, पानी नहीं है हमारा, स्कूल नहीं है हमारा, और जो चल रही अस्पताल है नहीं है हम लोगों के ना। देखिए आप पांच ही गांव में कि क्या है, डिलीवरी होती है, अगर हम अस्पताल जाते हैं मड़ा रहे तो गली में औरत खत्म हो जाती है, अगर खटिया पे धर के ले जाते हैं, पता क्या करें हम लोग।